वेलकम गाइस, पिछली वीडियो के अंदर हम लोगों ने जो है ना यूआई बना लिया था चैट ऐप का। और ये जो यूआई है उसके अलावा हम लोगों ने लॉगिन पेज बना लिया था कि यहाँ पर जो है ना अगर कोई पर्सन आता है और वो अपना नाम नहीं देता है एंड लॉगिन करने की कोशिश करता है, दोबारा उसे इसी पेज पे आ जाएगा। एंड अगर वो कोई नाम देगा एंड एंटर करेगा तो वो यहाँ पे आ जाएगा। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने ये देखना है कि एक तो ये जो पेज है, अगर इसको कोई यहाँ से लिंक कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करता है जिसने अभी तक लॉग इन नहीं किया, तो उसको ये एरर देखने को मिलती है। एक तो हम लोगों ने ये एरर जो है ये रिमूव करनी है, ठीक है। एंड उसके अलावा क्या करना है कि अभी ये है कि यहाँ से हम लोग इवेंट को फायर करते हैं तो वो यहाँ पे शो हो जाता है। तो ये काम तो हम लोगों ने पिछली वीडियो के अंदर कर लिया था, बट हम लोगों ने ये करना है कि जो है ना यहाँ पे जो इवेंट फायर हो रहा है ना, वो इवेंट मैसेज वाला इवेंट नहीं है, वो तो हम लोग ने एक रैंडम इवेंट बनाया था। तो हम लोग इवेंट को भी थोड़ा डिटेल में इस वीडियो के अंदर समझेंगे और एक न्यू इवेंट बनाएंगे और ये एरर ख़त्म करेंगे। सबसे पहले ये एरर ख़त्म करते हैं। इसके लिए हम लोग जाएंगे अपने चैट ऐप यूजिंग पुशर वाली ऐप के अंदर। एंड इसके अंदर ये जो लारावेल की ऐप है, इसके अंदर सबसे पहले कहाँ पर हम लोगों ने जाना पड़ेगा, तो इसके लिए हम लोग रिसोर्सेस के अंदर जाएंगे, व्यूज़ के अंदर जाएंगे, और ठीक है यहाँ पे व्यूज़ के अंदर नहीं जाना बल्कि राउट को मैंने सेट करना है। तो ये जो चैट वाला राउट है ना, ये पोस्ट वाला राउट है, इसको एक और राउट बना लो, गेट वाला राउट, ठीक है। गेट वाले राउट से कोई आएगा तो यहाँ पे एक नॉट फाउंड वाला फंक्शन रन हो जाए। ये फंक्शन कहाँ पे होएगा जी? ये फंक्शन होएगा जी इस कंट्रोलर के अंदर। तो इस कंट्रोलर के अंदर हम लोगों को ये फंक्शन बनाना पड़ेगा। ऊपर वाले को नीचे को अभी पेस्ट कर लेते हैं, इसका नाम चेंज कर देते हैं और यहाँ पर एक फंक्शन रन करवा देंगे अब पोर्ट वाला, एंड उसमें दे देंगे 404। यहाँ पे मैसेज दे देंगे नॉट फाउंड, ओके। इतना करने के बाद अगर अब कोई यहाँ पे आएगा एंड यहाँ पे रिफ्रेश करेगा तो उसको ये नॉट फाउंड देखने को मिल जाएगा। तो आई होप सो कि आप लोगों को जो है ना इस चीज़ की समझ आ चुकी होगी। एंड अब मुझे क्या करना है, अब कोई भी पर्सन आता है, अब वो पक्का लॉग इन होके ही आएगा। यहाँ से कोई और आया है और वो यहाँ पे आके उसका चैट भी ओपन हो चुका है। अगर अब मैं यहाँ पे जो है ना फायर करूँगा ना, तो ये यहाँ दोनों में शो होगा, इसमें भी अलर्ट शो हो रहा है और इसमें भी अलर्ट शो हो रहा है। तो ये रियल टाइम एनवायरनमेंट हमारा बना हुआ है। एक तो इवेंट अब हम लोगों ने न्यू बनाना है और थोड़ा सा इवेंट को समझना है। लारावेल के अंदर इवेंट बनाने के लिए आप लोगों ने क्या करना पड़ता है, एक कमांड है phpartisan, ठीक है, phpartisan मेक इवेंट। कौन सा इवेंट बनाना है जी? मैं बनाता हूँ जी मैसेज वाला इवेंट। ये मैसेज वाला इवेंट जो है ना मेरा ऐप के अंदर इवेंट के अंदर बन जाएगा। एक मेरा रैंडम इवेंट था, ठीक है, रैंडम इवेंट। दूसरा था जी मैसेज इवेंट जो कि मैंने अभी बनाया है। तो ये जो है ना आप लोग वैसे भी बना सकते हो, लाजमी नहीं है कि आप लोगों ने जो है ना यहाँ पे कमांड के थ्रू बनाना है। अगर आप लोग कमांड के थ्रू बनाओगे ना तो क्या होगा कि ये कोड जो है ना आप लोगों को पहले से ही लिखा हुआ मिल जाएगा। अगर आप लोग ऐसा नहीं करोगे तो फिर आप लोगों को ये चीज़ नहीं मिलेगी, फिर आप लोगों को ये सारा खुद से टाइप करना पड़ेगा। अच्छा, अभी ना यहाँ पे ना ये जब बाय डिफॉल्ट ये फाइल बनती है तो इसमें ये ब्रॉडकास्ट हो रहा है एरे की शक्ल में एक प्राइवेट चैनल पर। एक प्राइवेट चैनल पर एक चैनल को हम लोग ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं, एक चैनल ब्रॉडकास्ट हो रहा है एज ए प्राइवेट चैनल, ठीक है। तो ये बाय डिफॉल्ट प्राइवेट चैनल होता है। तो आप लोगों ने ना इसको जो है यहाँ से जो है ना चेंज कर लेना है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि ना एक होता है हमारे पास पब्लिक चैनल। पब्लिक चैनल कौन सा होता है? जो कि सिर्फ चैनल होता है। अगर मैं यहाँ से प्राइवेट हटा दूँ ना, तो ये जो चैनल वाला फंक्शन है ये बेसिकली आपका होगा पब्लिक चैनल, ठीक है। तो ये अब क्या हो जाएगा, पब्लिक चैनल हो जाएगा, यानी कि जो भी पर्सन है ना हमारी वेबसाइट का यूज़र, तो उसने अगर वो ऑथेंटिकेटेड नहीं है, यानी कि उसने लॉगिन वगैरह नहीं किया हुआ, तो फिर भी वो क्या कर सकता है, वो चैनल जो है ना उसको सब्सक्राइब करके उसका डाटा गेट कर सकता है, यानी कि उसको लिसन कर सकता है। लेकिन प्राइवेट अगर चैनल होगा ना, यानी कि इस तरह प्राइवेट होगा, तो फिर क्या होगा कि ना वो जो ऑथेंटिकेटेड हमारी वेबसाइट के जो ऑथेंटिकेटेड यूज़र होते हैं ना, जस्ट वही जो है ना लिसन कर पाते हैं इसको, ठीक है, समझ आया? तो ये एक डिफरेंस होता है। उसके अलावा ना एक तीसरा चैनल होता है प्रीसेंस चैनल। तो प्रीसेंस चैनल क्या होता है, ये भी बेसिकली एक प्राइवेट चैनल ही होता है, ये भी प्राइवेट चैनल होता है, लेकिन आप लोगों को ये एडिशनल फीचर्स भी प्रोवाइड करता है। ये प्राइवेट चैनल भी है और एडिशनल फीचर्स के साथ, ठीक है।
प्राइवेट चैनल, सिर्फ प्राइवेट चैनल है, ऑथेंटिकेटेड यूज़र जो है जैसे इसको सब्सक्राइब कर पाएंगे, इस चैनल को देख पाएंगे, इस चैनल को लेसन कर पाएंगे। लेकिन प्रीजेंस वाला जो चैनल है ना, वो आप लोगों को कुछ और फीचर्स भी प्रोवाइड करता है। तो हम लोग जो है ना सिंपल चैनल पे जाएंगे, ठीक है, सिंपल चैनल पे रखेंगे इसको, और इसको जो है ना एरे से ख़त्म कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे मुझे कोई एरे नहीं चाहिए है, और इसको मैं ऊपर ले आता हूँ। बाकी ये ब्रॉडकास्ट भी मैंने एज एरे नहीं करना है, मुझे सिंपल एक चैनल की ब्रॉडकास्ट करना है, और वो कौन सा चैनल होगा, वो होगा जी चैट चैट, ठीक है, बल्कि मैसेज लिख देता हूँ, मैसेज, ओके। तो मैसेज को जो है ना मैसेज वाले चैनल में न्यू चैट, ठीक है, यहाँ पे ये लिख दिया। उसके अलावा ना यहाँ पे अगर हम लोग रैंडम इवेंट पे जाएँ तो यहाँ पे एक है पब्लिक फंक्शन ब्रॉडकास्ट एज। अब इसका क्या मतलब है कि ना ये जो इवेंट आपने बनाया ना, इसका अगर आप कोई एक नाम रखना चाहते हो, ठीक है, बाय डिफॉल्ट इसका क्या नाम होगा, रैंडम इवेंट ही होगा। तो लिसन करते टाइम ना, फायर करते टाइम तो आप लोग इसको रैंडम इवेंट नेम से ही फायर करोगे, लेकिन लिसन करते टाइम आप लोग इस नाम से भी लिसन कर सकते हो, ठीक है, इवेंट का नाम आप चेंज कर सकते हो, ब्रॉड कास्ट एज दिस, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना अगर मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ, एंड कॉपी करने के बाद यहाँ पे आ जाऊँ एंड यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर दूँ, तो ये जो है ना माय इवेंट है, तो मैं इसको माय इवेंट नहीं करता हूँ बल्कि न्यू MSG है, या फिर न्यू अंडरस्कोर चैट, ठीक है, न्यू अंडरस्कोर चैट, न्यू चैट। तो न्यू चैट नाम का जो है ना मैंने ये बनाया है। एंड दूसरा ये है कि नहीं, इसके अंदर ये जब इवेंट फायर होता है तो ये चैनल और इवेंट, ठीक है, ये जो चैनल फायर होगा ना, इसका जो डेटा होगा, तो इस क्लास में जो वेरिएबल होते हैं ना, उसके अंदर जो चीज़ स्टोर होगी, तो वही चीज़ जो है ना जाएगी लिसनिंग साइड पे। तो उसके लिए ना हम लोगों को यहाँ पे वेरिएबल बनाने पड़ते हैं, जितने चाहे मर्जी आप यहाँ पे वेरिएबल बना सकते हो। मैं यहाँ पे बना रहा हूँ पब्लिक पब्लिक यूज़र ने, ओके, एक मैंने ये बना दिया, एंड यहाँ पे मैंने बना दिया यहाँ पे MSG, ठीक है। एंड ये अब यहाँ पे ना ये कंस्ट्रक्टर गेट पैरामीटर, ठीक है, ये पैरामीटर 1 है और ये पैरामीटर 2 है, ठीक है। तो अब जब भी इस इवेंट को कॉल किया जाएगा ना, मैसेज वाले इवेंट को, तो ये कंस्ट्रक्टर में जो भी हम लोगों ने पैरामीटर डिफाइन किए हैं, तो एज ए आर्गूमेंट उसको ये देने पड़ेंगे। जब भी इस क्लास को कॉल किया जाएगा तो इसको ये दो आर्गूमेंट्स देने ही हैं। तो ये आप ऊप्स के कंसेप्ट हैं, आप लोगों को आइडिया होगा इसका। अब मुझे यहाँ पे दिस लिखना है, जो भी यूज़र ने ये आर्गूमेंट 1 और आर्गूमेंट 2 दिया है, इसको सेव करवाना है। जो आर्गूमेंट 1 देगा वो होगा यूज़र का नाम, तो यूज़र के नाम वाले वेरिएबल के अंदर पहला आर्गूमेंट सेव करवा दूंगा, और इसी तरह दूसरा आर्गूमेंट सेव करवा दूंगा मैं MSG के अंदर, ठीक है, ओके। इतना करने के बाद जो है ना ये हमारा सेटअप जो है अच्छे से बन चुका है। एंड अब हम लोगों ने करना क्या है, करना कुछ यूँ है कि मुझे जो है ना अब फायर करवाना है। तो फायर वाला काम है ना, फायर वाला काम कहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे मुझे अब फायर नहीं करवाना है रैंडम इवेंट को, मुझे अब यहाँ पे कुछ और फायर करवाना है। तो यहाँ पे मैं ना क्या करूँगा, रैंडम वाला जो ये है ना, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, क्योंकि इसको मैं अब यूज़ भी नहीं कर रहा, तो मैं इसको रखता भी नहीं हूँ। यहाँ पे मैं मैसेज वाला इवेंट यूज़ कर रहा हूँ, और इसको 2 पैरामीटर देने ही देने हैं। तो एक मैं दे रहा हूँ याजिर, यानी कि यूज़र का नाम, दूसरा मैं दे रहा हूँ दिस इज मैसेज, ओके। तो अब जो है ना एरर चली गई है, अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे एक बार इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। तो रिफ्रेश करने पर कोई एरर नहीं आई है। अब मैं यहाँ से इवेंट को फायर करता हूँ, यहाँ पे मैं रिफ्रेश करूँगा, यहाँ पे मुझे कुछ भी देखने को नहीं मिला है। देखने को क्यों नहीं मिला है, क्योंकि जो है ना फ्रंट एंड कोड भी हमें कुछ चेंज करना पड़ेगा। चैट के अंदर जाऊँगा और यहाँ पर ना ये जो फायर हो रहा है, तो अब ना तो ये चैनल है हमारे पास यहाँ पे, तो चैनल हम लोगों ने चेंज कर दिया। तो चैनल का जो हम लोगों ने न्यू नाम रखा है, वो नाम रखा है जी मैसेज, आई थिंक मैसेज मैंने रखा था,
एंड यहाँ पे मैंने लिखा था न्यू चैट, ठीक है, यहाँ पे मैं न्यू अंडरस्कोर चैट, तो ये मैं यहाँ से इसको सेव करूँगा और इसको यहाँ पे आके रिफ्रेश कर दूँगा। एंड अब मैं यहाँ पे आऊँगा और यहाँ से मैं फायर करूँगा, और फायर करने के बाद यहाँ पे मुझे लिसन हो जाना चाहिए, तो यहाँ पे ये लिसन नहीं हो रहा है। एंड pusher.com पे जाते हैं, मे बी वहाँ पे जो है ना लिसन हो रहे हो। pusher.com का जो डैशबोर्ड है इसमें ही चला जाता हूँ डायरेक्ट, और यहाँ से फायर करता हूँ। फायर करने के साथ यहाँ पे भी कुछ नहीं आ रहा है, ठीक है, तो कोई इशू है, तो इशू क्या है देखना पड़ेगा। यहाँ पे जाते हैं मैसेज वाले में, मैसेज वाले में हम लोगों ने क्या किया है, ये है चैनल, ठीक है, ये चैनल है मैसेज, ठीक है, न्यू चैट, तो न्यू चैट ही मैंने यहाँ पे दिया ना, न्यू अंडरस्कोर चैट, इसमें जो भी आएगा वो यहाँ पे अलर्ट हो जाएगा। ओके, तो इसके लिए ऐसा करते हैं, डेवलपमेंट सर्वर जो है ना एक बार दोबारा से चला के चेक कर लेते हैं। यहाँ पे मुझे रिफ्रेश करना होगा और यहाँ पे मुझे इवेंट को फायर करना है। इवेंट फायर करते वक्त कुछ भी मसला नहीं आ रहा है, बट यहाँ पर लिसनिंग में प्रॉब्लम हो रही है, तो लिसनिंग में प्रॉब्लम क्यों हो रही है। यहाँ पे हम लोगों ने इवेंट बनाया, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अब मसला क्या था, मसला ये था कि हम लोगों ने यहाँ पे इम्प्लीमेंट शुड ब्रॉडकास्ट, तो ब्रॉडकास्ट तो हम लोगों ने करवाना ही है ना, तो ब्रॉडकास्ट यहाँ पे हम लोग करवाएंगे तो ही वो नीचे से ब्रॉडकास्ट होगा, ठीक है। एक ये काम आप लोगों ने करना होता है, फिर क्लास में जो भी आप लोग ब्रॉडकास्ट करवाना चाहते हो वो आप लोगों ने वेरिएबल बना लेने हैं, तो वेरिएबल बनाने के बाद उन वेरिएबल को गेट कैसे करोगे वो कंस्ट्रक्टर में आप डिफाइन कर लोगे। जब भी इस इवेंट को कॉल किया जाएगा तो ये आर्गूमेंट आएंगे और वो आर्गूमेंट इन पैरामीटर में स्टोर होंगे, और वो पैरामीटर जिसको आपने देने हैं वो आप दे दो, और फिर उसके बाद ब्रॉडकास्ट हो जाएगा इस चैनल पे। अगर इस इवेंट का कोई न्यू नाम देना है तो वो आप न्यू नाम दे सकते हो, अदरवाइज ये यही रहेगा। ओके, इतना कर लेने के बाद मैं इसको एक बार दोबारा से रिफ्रेश कर रहा हूँ, और इसको भी एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ, एंड ये यहाँ पे हमारे पास आ चुका है। अब मैंने यहाँ पे इवेंट को फायर किया, फायर करने के बाद यहाँ पे मेरे पास यूज़र नेम यासिर एंड मैसेज के अंदर दिस इज मैसेज आ चुका है। तो अब देखो ना, ये चीज़ हमारी हो चुकी है। अब मुझे क्या करना है ना, यहाँ पे लिसनिंग साइड पे ना मैं ऐसा करूँगा कि यहाँ पे ना ऐसा कर लेते हैं कि ये चीज़ जो है ना ये मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। ये जो एल आई है, एल आई मैं यहाँ से सारा का सारा यहाँ से कट कर लेता हूँ, एंड कट करने के बाद मुझे क्या करना है, यहाँ पे जो ये अलर्ट आ रहा है इसी के नीचे जाऊँगा और मैं यहाँ पे लिखूँगा जी न्यू मैसेज, न्यू एम एस जी। अब न्यू एम एस जी के अंदर एक स्ट्रिंग मैं डालनी है, ठीक है, तो ये इस तरह से मैं ना स्ट्रिंग इसके अंदर एच टी एम एल स्ट्रिंग डाल दूंगा, और अब मेरा यूज़र नेम के अंदर डाटा के अंदर यूज़र नेम के अंदर तो यूज़र नेम आ गया और यहाँ पे है एम एस जी, ठीक है, तो ये काम हो गया मेरा। अब मुझे ये अपेंड करवाना है, कहाँ पे अपेंड करवाना है, मुझे अपेंड करवाना है ये चैट सेक्शन जो है, तो इसकी आईडी जो है वो यहाँ से कॉपी कर लूँगा सिंपली, एंड नीचे आ जाऊँगा, एंड इसके नीचे ही ना मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अपेंड करवा दूँगा। सबसे पहले मुझे पकड़ना पड़ेगा ना, तो मैं डॉलर लगाऊँगा, और आई थिंक कि मैंने यहाँ पे जे क्वेरी को लिंक किया हुआ है, तो जे क्वेरी लिंक है तो मैं यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ, तो जे क्वेरी की हेल्प से मैंने यहाँ पे इसको पकड़ा, और पकड़ने के बाद मैंने यहाँ पे अपेंड किया, अपेंड के बाद मैंने यहाँ पे एच टी एम एल डाल दी, किसकी डाल दीजिए, न्यू एम एस की, ठीक है, तो ये न्यू एम एस जी जो है ना ये मैंने डालना था। यहाँ पे डॉलर मुझे रिमूव करना है क्योंकि ये जावा स्क्रिप्ट है। अब मैं यहाँ पे आऊँगा एंड यहाँ पे मैं एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ, रिफ्रेश करने के साथ साथ यहाँ पे मैसेज चला गया। अब मैं यहाँ से फायर करूँगा, फायर करने के बाद यहाँ पे जो है ना ओके तो आ गया, साथ ही साथ जो है ना ये मैसेज भी यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। तो अब ये काम हमारा हो चुका है, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे ना कि ये जो हमारे पास है ना मैसेज, मैसेज वाला जो राउट है जो कि यहाँ पे है, तो इसको हम लोगों ने डायनेमिक बनाना है। डायनेमिक कैसे बनाना है, इसका जो हम लोग राउट है ना उसको कर देंगे पोस्ट, ठीक है, पोस्ट कर दिया, और अब मुझे क्या चाहिए यहाँ पे रिक्वेस्ट,
जब भी इस इवेंट को फायर करना होगा तो ज़रूरत होगी किस चीज़ की, कि इस राउट पे आपने कुछ डाटा भेजना है तभी इवेंट फायर होगा। तो डाटा कौन सा भेजना है, यहाँ पे मैं इस रिक्वेस्ट को वैलिडेट करूँगा, और वैलिडेट करूँगा कैसे, वैलिडेट वाले फंक्शन से। एंड ये फंक्शन बोलेगा कि एक तो यूज़र नेम हो जो कि क्या हो, रिक्वायर्ड हो, दूसरा यूज़र नेम के अलावा क्या हो, मैसेज हो, और मैसेज भी क्या होना चाहिए, रिक्वायर्ड होना चाहिए। ये दोनों चीज़ें रिक्वायर्ड होनी चाहिए तभी जो है ना जाके ये इवेंट फायर होगा। और जब ये इवेंट फायर होगा तो बस ठीक है, ये इवेंट फायर हो जाएगा। एंड रिस्पॉन्स में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग कह देंगे रिस्पॉन्स में, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रिटर्न रिस्पॉन्स, बस ठीक है, रिस्पॉन्स देता ही नहीं हूँ, एरर आएगी तो वो एरर में चला जाएगा, सक्सेस आएगी तो मतलब ये चल गया है, जब चल गया है तो बस ठीक है। अच्छा, ये इवेंट अब क्या हो जाएगा, फायर हो जाएगा, बट अब जो है ना ये यहाँ से एक्सेसिबल नहीं होगा। अब मैं यहाँ पे अगर रिफ्रेश करूँगा तो ये कहेगा कि ये जो गेट मेथड है ना वो इस राउट के लिए सपोर्ट नहीं करता है। तो ये चीज़ हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से एक एजेक्स रिक्वेस्ट मारेंगे, वो रिक्वेस्ट कब लगेगी, जब यहाँ पे यूज़र मैसेज टाइप करेगा और सेंड के बटन पे क्लिक करेगा, तो क्या होगा, तो जो है ना उसका यूज़र नेम, अब उसका यूज़र नेम कहाँ पे स्टोर होगा, उसका यूज़र नेम यहाँ पे मैं एलिमेंट के अंदर आप लोगों को दिखा देता हूँ। यहाँ पे एक तो है इसका मैसेज, मैसेज के ऊपर ये देखो यूज़र नेम, यूज़र नेम वाली जो इनपुट है वो है हिडन, और उसमें वैल्यू है यासिर, यानी कि यूज़र नेम तो हमें यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। यूज़र नेम हम लोग पकड़ लेंगे, मैसेज पकड़ लेंगे, फिर उसको हम लोग यहाँ पे भेज देंगे इस राउट पे, और ये उस मैसेज को ब्रॉडकास्ट कर देगा, और वो हर जगह पे लिसन हो रहा होगा, और जहाँ जहाँ पे वो लिसन हो रहा होगा वो जो है ना न्यू मैसेज को वहाँ से डिस्प्ले कर देगा, ठीक है। तो आई होप सो कि आप लोगों को जो है ना इस चीज़ की समझ में आई होगी। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने एक तो एजेक्स परफॉर्म करनी है, और दूसरा ये इन आउट को देखना है कि राइट साइड पे मैसेज किसका आए और किसका लेफ्ट साइड पे मैसेज आए, ठीक है। तो आई होप सो कि आप लोगों को जो है ना ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।